अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहले से था कि आग लगने के पीछे ना आपका ही नौटंकी, लेकिन ये सबूत के साथ तो फुल्ले यकीन हो गया हमको। सच बताना पड़ेगा सबको। मुझे लगता है मुझे अब यहां और नहीं रहना चाहिए, पर मैं जाके भी यहां से जा नहीं सकती। लेकिन रिया, तुम ऐसा सब सोच क्यों रही हो? तुमने मुझे एक्सेप्ट किया यहां रहने के लिए ताकि मैं विराट से बची रहूं। आज जो यहाँ तमाशा हुआ, ये सब वहां भी तो होता था, कुछ भी तो नहीं बदला। मुझे आज भी बहुत डर लग रहा है। नहीं 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 रिया, नहीं, तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं। अरे हम है ना यहाँ पे, हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। अरे यहाँ तुम सेफ हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज 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 बचा लो। क्या नया नाटक शुरू किया है भाई? आओ देखो। बुआ जी, संजय बाबू, जल्दी आइए। राजीव, क्या हुआ? क्या बात है? अरे ये डर गई थी और डर के कारण कमरे में जाकर छुप गई थी, इसके लिए देखने गए थे हम इसको। क्या दिखाना चाह रही हो? क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? बोलो कुहू, जवाब दो। सब लोग यहां मौजूद है, क्या बात है? कहीं कुहू मेरा सच सबको ना बता दे। अरे ये तो मेरा बैग है। तुम्हारा? हाँ। ये कुहू मुझे घर से निकाल रही थी और यही बैग तो हाथ में पकड़ा दिया था उसने। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो कुछ और बात करने आए थे। हाँ हाँ, यही बैग तो था। ये बैग देकर मुझे चलता कर रही थी कू घर से। कू? क्या हो गया तुम्हें? तुम इसको घर से बाहर निकाल रही थी? तुम जानती हो ना बाहर इसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है, वो विराज अब भी घात लगाए बैठा है। अरे अभी तो तलाक भी नहीं हुआ उसका और तुम इसको घर से बाहर। गलत समझ रहे राजीव। तुम नहीं समझ रही हो कू, आज इसकी जो ये हालत है ना, वो हमारे और विराज की दुश्मनी की वजह से, उसके जुल्मों से डरी हुई है ये। देखो देखो अब भी कितना कांप रही है, और अब तुम्हारी वजह से डर बैठा हुआ इसके मन में। हम इनके लिए डर नहीं, बल्कि ये हमारे लिए है।
जरा इसकी हालत देखो कु, दया नहीं आती तुमको इसमें? तो इतनी रात गए सब जग रहे हैं, पर सिर्फ रिया इतनी डरी हुई है, पता नहीं इसे अकेले नींद भी आएगी या नहीं। राजी, कम से कम उस कमरे में नहीं जाऊंगी मैं, मुझे बहुत डर लगता है वहां पर। सब खेल है इसका, तू और तेरी गजब की जुबान छोटी कहेंगी। ठीक, उस कमरे में नहीं सोगी। हाँ, लेकिन जब तक रिया का तलाक नहीं हो जाता और उसका विदेश जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, ये कू के साथ हमारे कमरे में रहेगी और वहीं सोएगी। दादा, ये क्या नरगल बातें कर रहे हैं आप? पति पत्नी के निजी कमरे में एक बाहर की औरत। आखिर रिया ने बाजी मार ली। इसमें कुछ भी गलत नहीं है संजीव, इसकी तबीयत खराब है और ये हमारे कमरे में ही रहेगी, हम इसका ख्याल रखेंगे कुहू की मदद से। राजीव बेटा, लोग क्या कहेंगे, ये सही नहीं है। बुआ जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, ये इस घर की मेहमान है और हम इसका ख्याल रखेंगे। आखिर तुमको क्या हो गया को, तुम तो ऐसे नहीं थी। मेरी तबीयत कुछ रिया ठीक नहीं लग रही, जरा कमरे में चले तुम्हारे। जितना प्यार आप दादा से करती है ना, शायद ही किसी ने किसी से किया होगा, और ये बात उन्हें भी पता है। हम लेके आए हैं ना रिया जी को इस घर में, तो अपना गलती सुधारेंगे। राजू, विश्वास के साथ हमें बोल दिए कि हम सब रिश्ता ठीक कर देंगे। जब तुमने खुद ही अपने और राजीव बाबू के रिश्ते को कमजोर कर दिया, तो फिर उसे ठीक करने की दुहाई क्यों दे रही है बेटा? तुम शुरू से ही अपनी शक्ल को लेकर हीन भावना से ग्रस्त थी, पर हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। राजीव तुमसे बहुत प्यार करता, पर तुमने दूरियां बनाए रखी, आज उन्हीं दूरियों की वजह से रिया उस दूरी के दरमियान घुस गई है सिर्फ तुम्हारे कारण। बहुत प्यार करते हम अपने राजीव बाबू से, बहुत प्यार करते, लेकिन ये भी सच है, हम राजीव बाबू के लिए ना बस देखो जिम्मेदारी है, देखो फर्ज। राजीव बाबू रिया जी से प्यार करते थे, लेकिन अभी की रिया जी नेक नहीं है। अगर राजीव बाबू किसी खूबसूरत नेक दिल लड़की के साथ जीवन जीना चाहते हैं,
तो हम उनको रोकेंगे नहीं। अगर वो हमसे अलग होकर नया जिंदगी बिताना चाहते तो हम उनको मदद करेंगे। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अरे बीवी है बावर्ची, रामसान के मुंह खाने वाला किसी और के मुंह में डालना चाहती है तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे जिस राजीव के लिए तू आग से खेलते, जिस पति के लिए तूने इतनी जिल्लत, इतनी तकलीफ, इतने कष्ट सहे, उस पति को तुम किसी और को सौंपना चाहती हो? पत्नी है तू राजीव की, कैसे बोल दिया ये अपने सुहाग के लिए? कैसे बोला तुमने ये? बुआ जी, ये क्या किया आपने? अरे मैंने क्या किया? पूछ इससे, इसने क्या किया? अरे क्या चल रहा है इसके दिमाग में? सूरत सब कुछ नहीं होती कुहू, सीरत, दिल, दिमाग, नियत, मान सम्मान, ये सूरत से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। जोड़ियां ना हम नहीं बनाते, जोड़ियां ऊपर से बन के आती, तेरे भोले नाथ बनाते हैं जोड़ियां। तो फिर हम कौन होते हैं तोड़ने वाले? जवाब दे। और अगर तुझसे ये रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है ना, तो तोड़ दे ये रिश्ता। छोड़ दे राजीव को, निकल जा इस घर से बाहर अभी, इसी वक्त। अब तो प्रभादी ने भी कुहू को तज दिया है। प्रभादी को अचानक क्या हो गया है? उन्हें भी पता लग गया कि राजीव और कुहू अब कभी पति पत्नी नहीं बन सकते। खुद कोशिश करते करते अब तो प्रभादी भी हार गई है। उन्हें पता लग गया है कि राजीव और कुहू का एक साथ कोई भविष्य नहीं। अब हमें तुझसे कुछ नहीं कहना कुहू, हार गए हम, हार गए। हमें यकीन हो गया है कुहू कि तेरा प्यार ना या किसी के आगे हार गया। संभाली, चल अभी आज संभाली, आइए ऊपर आइए। तुझसे ये रिश्ता नहीं पाया जा रहा है ना, तो तोड़ दे ये रिश्ता। छोड़ दे राजीव को, निकल जा इस घर से बाहर अभी, इसी वक्त। जब तक रिया का तलाक नहीं हो जाता और उसका विदेश जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, ये कुहू के साथ हमारे कमरे में रहेगी। बात देनी पड़ेगी तुम्हारे दरिया दिल की। या रानी, कमाल ही कर दिया तुमने तो। सच कहें तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम। सच, तुम देखो ना, पहले तुम रिया को इस घर में ले आए, फिर अपने कमरे में। हमें तो लगता है अब वो दिन भी दूर नहीं जब तुम अपनी इस सौतन को अपने ही पति के दिल में घर बनाने दोगी। राजीव बाबू का दिल और दिल में एक ही कमरा है और उसमें हम रहते। हम जितनी बार सोचते हैं ना कि तुम हमें हैरान नहीं करोगी, अगली बार तुम हमें और ज्यादा हैरान कर देती हो। तो 100 बात की एक बात, कंफ्यूज तुम हो सकती हो ये तय करने में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है।
हमने तय कर लिया है और हमने तय किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती। क्या क्यों सवाल आ रहा होगा ना मन में, देखो अब एक मयान में दो तलवार तो नहीं रह सकती ना, अब तो बुआ जी का साथ भी नहीं है तो किस मुंह से रहोगी तुम इस घर में। पत्नी भी हम ही हैं, राजीव बाबू के दिल का दावेदारी भी हमारा ही, हम राजीव बाबू की पत्नी हैं और रहेंगे, इसका फैसला करने का हक हमारे सिवा किसी और को नहीं। और हमारा ब्याह तो भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद से हुआ है, किसी राह चलते के नसीब से नहीं, कि किसी को भी हम अपना सुहाग सौंप दे। जब तक रिया का तलाक नहीं हो जाता और उसका विदेश जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, ये कुहू के साथ हमारे कमरे में रहेगी। उम्मीद है कि ये सच कुहू भी देख पा रहे, जो कि होना सच हम देख रहे हैं। राजीव रिया के पल्लू से बनता चला जा रहा है और कुहू उसके लिए गैर जरूरी होती जा रही है। बस अब जल्दी कुहू राजीव को छोड़ दे, फिर राजीव रिया से शादी करे या नर्क में जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बुआ जी, आपने कुहू भाभी को थप्पड़ नहीं मारा, आपने उनके विश्वास को थप्पड़ मारा, वो विश्वास जो उनको आप पे था, विश्वास कि चंदेल भवन इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनकी बुआ जी कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। अरे हमें तो ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि आपने ये क्यों नहीं देखा कि कुहू भाभी किस अवस्था में। राजीव दादा का ये फैसला लेना कि रिया उनके कमरे में सोएगी, उसके बाद कुहू भाभी क्या करती, कैसे बर्दाश्त करती, और इसके बाद अगर कुहू भाभी कुछ करे या कहे तो हमें उनका साथ देना चाहिए या उनके खिलाफ हो जाना चाहिए। अरे हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि राजीव दादा को क्या हो गया। एक मिनट संजीव, एक मिनट, अरे ये तो समझने की कोशिश करूं कि हमने ऐसा किया क्यों। अरे राजीव इस वक्त पगलाया हुआ है और उसको सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि कुहू की है। अरे ये लड़ाई खुद कुहू को लड़नी है, इससे पहले कि रिया राजीव को कुहू से छीन ले, राजीव को सही रास्ते पे लाना होगा और रिया को घर से बाहर खदेड़ना होगा, खुद कुहू को। हे मामा भाभी, मेरी कुहू को बल दे, बुद्धि दे, विवेक दे और इस गंभीर चुनौती से लड़ने का हौसला दें, ताकि वो अपनी जिंदगी और अपना सुहाग बचा सके। आराम से। मेरे इतने बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, तुम मुझे थामे रहे राजीव, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच राजीव। ये खास वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्ही ने कहा था ना कि हम दोस्त हैं, तो एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। दोस्ती का फर्ज ही है, इंसानियत का तकाजा है, और फिर तुम्हारी जगह और कोई और दोस्त भी होता ना हमारा तो हम यही करते रहे। किसी के लिए भी तुम और मैं एक दूसरे के लिए किसी के लिए भी नहीं है राजीव, मैं तुम्हारी मंगेतर थी और बहुत जल्द फिर से तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। आराम से, आराम से। चलो अब कमरे में चलकर आराम करो, आराम से। आज एक दोस्त की तरह ही सही, पर बहुत जल्दी एक बीवी के हक से इसी कमरे में आऊंगी मैं।
ये सब क्या है कु? इतनी रात गए तुम कर क्या रही हो? अरे हम रिया जी के लिए ना कमरा तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमको मालूम ही नहीं था कि रिया जी नहीं वो ना चूहिया आ रही। क्या कहा तुमने? चू? अरे 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 मुझे नहीं, ये कमरा में ना एक लंबा बड़ी वाली चूहिया दाखिल हो गई है आपके आने से पहले। अब एक ही कमरा में रिया जी और चूहिया एक साथ तो नहीं रह सकती ना, तो ना हम एक को निकाल रहे थे ताकि दूसरी ना बैठ जाए। वो कहा है ना राजीव बाबू कि हमको अपना गलती का एहसास हो गया है, अब हम ना तन मन से रिया जी के लिए जुट गए। अरे पाप रे, पर क्या करे, पर ये चूहिया ना एकदम ना नाको दम कर दिए सारे। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए आप लोग ना बाहर बगीचा में ना जाके आराम कीजिए, ठीक है? तब तक ये चूहिया कर चूहिया का चुटिया पकड़ के ना हम बाहर फेंकते हैं। जाइए जाइए, हम पीछे से चाय भी भिजवाते हैं आप लोग के लिए। तो तुम चूहिया को हटाओ और हम इसको बाहर बगीचे में लेके हाँ जाइए, लेके जाइए बाहर बगीचे में आराम से जाइए। चलो तब तक हम निकालते इस चूहिया को। हम अपने और राजीव बाबू के बीच में कोई रिया चूहिया को आने नहीं देंगे। आपका प्यार स्वार्थ है, आप बहुत बड़ी चालबाज है रिया जी, लेकिन हम आपके चाल को चलने नहीं देंगे। चूहिया कहेगी